15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में धरती आबा को नमन करेंगे और उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर उलिहातु में ग्रामीण बेहद खुश है, लेकिन दूसरी ओर इस पर सियासत भी जोरों पर है। पीएम मोदी के आगमन की जोरदार है तैयारी। धरती आबा की जन्मस्थली आएंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के स्वागत की ग्रामीणों में बेताबी। पीएम के आगमन पर सियासत भी भारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को झारखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातु पहुंचेंगे और धरती आबा को नमन करेंगे। पीएम के उलिहातु आगमन को लेकर ग्रामीण बेताब नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों ने बैठक कर पीएम मोदी के अभिनंदन की तैयारी की है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उलिहातु ही नहीं, बिरसा मुंडा के सेनापति रहे सरदार गया मुंडा के वंशज समेत ग्रामीण उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि भगवान बिरसा मुंडा को जिस तरीके से देश विदेश में पहचान मिली है, उसी तरीके से गया मुंडा को भी पहचान मिलेगी। पूरे इधर के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उतना बड़ा आदमी जंगल के अंदर आना एक मामूली सी बात नहीं होती है, और एक ऐसा सोच और एक ऐसा विचार करके आ रहे हैं कि कोई ना कोई आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य नया चीज़ लेके ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो भी हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जो भी हैं, हमारे नवयुवक लोग बहुत खुश हैं। तो हम लोग का कहने का मतलब का है कि कुदा पंचायत के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ एटकेडी में भी उसका बायां हाथ, उसका सेना थे जो भी बिरसा मुंडा के सेनापति थे, यहाँ भी वो आए कभी, ये हम लोग चाहते हैं। हम लोग का खूंटी जिला आके या बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को मल्यार्पण किया है। यही हम देखा जाए तो पहले प्रधानमंत्री होगा कि बिरसा मुंडा को पूरा भारत देश में जो ऑनलाइन पोर्टल में है उसमें पूरा न्यूज या तो मतलब कि जानकारी दिया है। एक तरफ उलिहातु में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में सियासत भी जोरदार हो रही है। पीएम के दौरे को लेकर हमलावर जेएमएम ने फिर से निशाना साधा है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम एचईसी को बचाने का काम करें। हम लोग चाहते हैं कि 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी आए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम उस दिन यहां ना हो भाजपा के द्वारा, क्योंकि उस दिन पूरे राज्य के लिए उत्सव का दिन है। धरती आबा का प्रेरणा का दिन है। जेएमएम के बाद कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा है। यूपीए अपने कार्यकाल में कभी किसी जनजातीय महिलाओं को नग्न नहीं घुमाया गया। यूपीए के कार्यकाल में कभी किसी आदिवासी युवकों के ऊपर पेशाब नहीं किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के हमले का बीजेपी ने भी कड़ा जवाब दिया। जेएमएम, कांग्रेस या अन्य दल क्या तंज कसते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो तो तंज कसेंगे, हमें अपना काम करना। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ सौगात देते ही हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के किसी भी भाग में जाएंगे। एक तरफ पीएम मोदी के दौरे को लेकर उलिहातु में ग्रामीण उत्साहित हैं, तो दूसरी ओर सियासत भी परवान पर है। अब इंतजार 15 नवंबर का है, जब पीएम का आगमन होगा। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। पीएम मोदी